नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम NIOS के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 2022 और 23 न्यू सेशन का क्लास 10th का संस्कृत, जिसका सब्जेक्टिव कोड है 209, के क्वेश्चंस का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि आप कैसे संस्कृत असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं और कहाँ से इसका नंबर सॉल्यूशन मिलेगा, कब तक इसको जमा करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, टोटल 20 मार्क्स का है और टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 में ये ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। या तो आप क कीजिए या ख नंबर कीजिए, ये दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसका देखिए, यहाँ पे दिया गया है लेसन, कि इस लेसन का ये क्वेश्चंस है, इस लेसन में आप इनका आंसर मिलेगा, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हर पेज में लिखा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप असाइनमेंट को पहचानना चाहते हैं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है, तो हर पेज में यहाँ पे देखिए, जिस तरह सेशन 2022-23 लिखा हुआ है, ये हर पेज में आएगा, हर सब्जेक्ट में आएगा। तो इस चीज़ों को आप पहले देखें, उसके बाद ही असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट करें। पहले आप जांच लें, परख लें कि ये 2022-23 का असाइनमेंट है या नहीं है, क्योंकि मैंने YouTube पे देखा है कई सारे असाइनमेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 22-23 का है ही नहीं, पुराना है, फिर भी उसमें टाइटल में लिख दिया है 2022-23, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आपको भ्रम में नहीं जाना है और अफवाहों से बचना है, क्योंकि YouTube पे कई सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ से कुछ वीडियो बना के अफवाह फैला देते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना है और आपको असाइनमेंट तैयार करने हैं और सही से आंसर्स लिखने हैं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और जो नहीं कर पाते हैं असाइनमेंट, या जिनको लिखने में परेशानी हो, या जॉब जॉब करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं हो लिखने के लिए, या जो नहीं लिखना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये असाइनमेंट जो बनाते हैं, वो हमारे कुशल मार्गदर्शन के सानिध्य में तैयार की जाती है। और पिछले साल भी हजारों स्टूडेंट हमारे असाइनमेंट को जमा कर अच्छे अंक से पास हुए हैं और असाइनमेंट में अच्छे अंक प्राप्त भी किए हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कि फुल में फुल मार्क्स मिला है और बाकी सबको 18-19 नंबर मिल जाते हैं। ये 95+ मार्क्स रहेंगे आपके असाइनमेंट के, अगर आप असाइनमेंट हमारे यहाँ से परचेज करते हैं तो। और इस बार हम असाइनमेंट का जो फॉर्मेट होगा वो स्कैन कॉपी होगा, हैंड राइटिंग कॉपी का, हैंड रिटन कॉपी का स्कैन कॉपी होगा। और हैंड राइटिंग भी ज़बरदस्त तरीके से साफ़ सुथरा, बिल्कुल ही कहीं भी आप उसको काट पीट या जीक चाक ये सब आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में मिलेगा आपको। और क्वेश्चंस का आंसर तो क्वालिटी वाला होता है, और क्वेश्चंस हम प्राइवेट टीचर के द्वारा करवाते हैं, जिसमें कि गलतियां होने की संभावना बिल्कुल ही 0% रहती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो असाइनमेंट आपको कहाँ से परचेज करनी चाहिए वो आप ध्यान में रखें, और मूल्य के पीछे ना भागें, सस्ते और महंगे के पीछे ना भागें, क्योंकि एक कहावत है, सस्ता रहोगे बार बार, महंगा रहोगे एक बार। तो महंगा ही सही, लेकिन परफेक्ट चीज़ लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह है, डिटेल्स है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।